जिंदगी में कुछ मजबूरियां होती है मेरे दोस्त, वरना कौन होना चाहता है अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो मैंने बनाई है मुख्यतः जो हो रहा उत्तराखंड से पलायन है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड के लिए। उसके कुछ कारणों के बारे में मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कुछ वादों के साथ, कुछ सपनों के साथ हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो गठित हुआ। इसका मुख्य सपना था जो देश, जो हमारे उत्तराखंड से पलायन हो रहा है उसको रोकना, और जो यहाँ के नागरिक हैं उनको उत्तराखंड में ही जॉब मिल जाए, वो अपने घर से दूर नहीं जाए। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और अभी 19 साल बीत चुके हैं। हमारी स्थिति क्या है, उत्तराखंड में कैसे कैसे पलायन हो रहा है और क्या क्या यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, दोस्तों आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों उत्तराखंड में अगर मुख्यतः देखा जाए, उत्तराखंड राज्य का गठन ही इसीलिए हुआ था, जो उत्तराखंड राज्य है क्योंकि जो इससे जॉब हैं लोगों के वो उत्तराखंड में ही इनको मिल जाएँ, ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। और इसी कारण से मुख्यतः पलायन हो रहा है, कह सके तो एक बात बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होना, हॉस्पिटल की सुविधा सही नहीं होना, पानी लाइट बिजली सड़क ये मुख्य जो सुविधाएं हैं, इससे कई गांव अभी ऐसे हैं जो डिस्कनेक्ट हैं, जिनको क्या हो रहा है बाहर उससे कोई पता ही नहीं, और उससे उसे पता करके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है तो हम इन चीज़ों को तो नहीं देखेंगे ना। सरकार अपनी योजनाएं चलाती है, लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य उन योजनाओं को उस व्यक्ति तक पहुंचाना होना चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत है। ज़रूरतमंद इंसान तक अगर वो सुविधाएँ पहुँचेंगी तभी विकास होगा, तभी पलायन रुकने का एक जो जरिया है वो कम होगा हमारा। लेकिन अगर सरकार वैसे सोचती है कि वैसे ही हम यहाँ से चलाया जाए, हम अपनी जो योजना सरकार चला रही है वह उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसको उसकी सख्त ज़रूरत है, जिसको उसकी ज़रूरत है। बाकी अगर आप योजना चला दे रहे हैं और उस व्यक्ति तक नहीं पहुँच रही है तो आपको इस योजना चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों उत्तराखंड के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ ना तो रोड की सुविधा है, ना लाइट, ना पानी, किसी चीज़ की, किसी तरह की गवर्नमेंट ऐसी सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक नहीं पहुंच पाई इन गांवों में। उसका क्या कारण है, 19 साल हो गए हमारा जो राज्य था वो अलग हुए, और 19 साल से सब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर कहती हैं कि काम किया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना काम हुआ है 19 सालों में। जिसका मुख्य उद्देश्य ही लोगों को यहाँ रोकना था, वह सरकारें कितना सक्सेस रही, कितना सफल रही, ये आप खुद सोचिए और खुद बता सकते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। अगली बार की वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को इसके कुछ उपायों के बारे में बताऊंगा, तो वो वीडियो देखना भी ना भूलें। आज की वीडियो में कि जो मुख्य कारण है उनमें मैं कुछ मुख्य कारणों पर प्रकाश डालूंगा, ऐसा किस वजह से मुख्य जो रूप से है वो पलायन हो रहा है हमारे उत्तराखंड से। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे गांव में ही रहना चाहते हैं, कुछ युवा लोग, कुछ बुजुर्ग लोग जो तो आप जाना ही नहीं चाहते हैं बाहर, तो वो लोग, उनके लिए मुख्य समस्याएं हैं, वो फसल से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन फसल अभी का टाइम ऐसा है कि अगर वो किसी फसल को बोते हैं आज तो शाम को उसे जंगली जानवर पूरा नुकसान पहुँचा के चले जाते हैं। तो इस तरह अगर होता रहा तो पलायन नहीं होगा। आप समझिए, आपके पास खाने के लिए कोई चीज़ें नहीं हैं, ना सामान है, ना राशन है, और आप फसल बोते हैं और उसके बाद भी जंगली जानवर उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, तो क्या पलायन नहीं होगा? क्या लोग वहां से बाहर नहीं जाएंगे? ये एक मुख्य समस्याएँ जो हैं। रोड नहीं है, कहीं रोड है वहाँ कुछ टाइम, जैसे शाम का टाइम है, उनको कोई सुविधा ऐसी नहीं मिलेगी, ना गाड़ी आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटलों में कई हॉस्पिटल, दो तीन तीन चार गांव का एक हॉस्पिटल होगा, उसमें भी डॉक्टर नहीं होंगे।
और टेली भी लाइट की सुविधाएं पहुंची नहीं वहाँ। अब वो सोचते कि कनेक्ट हो लोग प्रदेश से जुड़े, वो भाई वो कैसे जुड़ेगा जिसके पास लाइट की सुविधा नहीं है। ये सोचना मुख्यतः सरकार की जिम्मेदारियां हैं, उन्हें समझना चाहिए इस चीज़ को। और कुछ आंकड़ों की मैं बात करूंगा दोस्तों, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था 17 सितंबर 2017 को, उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 2018 में, तो वो रिपोर्ट के अनुसार कितना पलायन हुआ इस बारे में उन्होंने बताया, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ वीडियो में। दोस्तों उत्तराखंड से हो रहे पलायन को देखते हुए 17 सितंबर 2017 को पलायन आयोग का गठन किया गया। इस पलायन आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य था जो उत्तराखंड से पलायन हो रहा है इसका मुख्य कारण जानना, और कितने गाँव और कितने जो लोग हैं वह प्रतिवर्ष उत्तराखंड से पलायन करते हैं इसकी जानकारी सरकार को देना। तो 2018 में पलायन आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उत्तराखंड के 646 पंचायतों के 16,207 स्थायी रूप से अपना पता जो है वो चेंज करा चुके थे, वो दूसरी जगहों पे पलायन कर चुके थे। और साथ ही 2011 में उत्तराखंड के 1,034 गांव खाली थे, जबकि 2018 में 1,734 गांव खाली हो चुके हैं। उत्तराखंड के 405 गांव ऐसे थे जहां 10 से भी कम लोग अब रहते हैं। और दोस्तों उत्तराखंड के 73% परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय जो है दोस्तों वो 5,000 से कम है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग अपना गुजारा जो है वो किस तरह करते होंगे। 3.5 लाख से अधिक जो गांव हैं दोस्तों उत्तराखंड में वह खाली पड़े हैं। और इस बीच सबसे ज़्यादा जो प्लान हुआ वो उत्तराखंड के दो जिलों में से हुआ, अल्मोड़ा वो पौड़ी। अल्मोड़ा की जानकारी मेरे पास है, अल्मोड़ा के लगभग 70,000 लोगों ने अपना गांव जो है वो छोड़ा था इस बीच। इस सब पे गवर्नमेंट को बहुत सोचने की ज़रूरत है दोस्तों अगर आपके पास उत्तराखंड से पलायन रोकने के कोई सुझाव होंगे आपके पास, ज़रूर उन्हें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो सुझाव दूंगा उसमें आपकी सुझाव ज़रूर शामिल करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।